असलम एवरी एवरीवन दिस इज बिस्टा राजपूत और आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ फुल पाकिस्तानी रेस्टोरेंट स्टाइल क्रिस्पी फ्राइड प्रॉन बॉल्स की रेसिपी जो कि बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत मजे की होती है सो लेट्स गेट स्टार्टेड सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ मेरे पास प्रॉन थे ये जेरा है इसको उर्दू में आप कहते हैं मीडियम साइज का प्रॉन है साफ किया हुआ यहाँ से उसकी वेन साफ़ हो जाती है अगर तो फ्रेश प्रॉन है तो आपको कोई भी विनेगर या जिंजर गार्लिक पेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है ये फोर फिफ्टी ग्राम्स के करीब मेरे पास रखे हुए थे साफ सुथरे डिवेन हुए हुए और अगर आपके पास ये बाहर से आए हुए हैं यानी कि स्टोर बॉट हैं तो आप इसको थोड़ी देर विनेगर के पानी में भी रख सकते हैं अगर आपको स्मेल से थोड़ा सा मसला है इसमें मैं डाल रही हूँ अराउंड वन टी स्पून सॉल्ट हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर हाफ टी स्पून व्हाइट पेपर पाउडर लेमन जूस इसमें जाएगा एक लेमन का अच्छे से जूस निकाल के डाल दें मेरे पास बड़ा जिद्दी लेमन था जिसका जूस ही निकालना मुश्किल हो गया था लेकिन मैंने शॉर्ट शॉर्ट करके आपको दिखा दिया ये सब आपके सामने मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे डालना तो उसको मिक्सी में अगर आपके पास मिक्सी नहीं है तो जो बुचर नाइफ होती है चॉपिंग करते हैं जिससे आप घर में आराम से उसे आप चॉप भी कर सकते हैं वन टी भर के चला गया इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट रेड चिली फ्लेक्स एंड पाउडर मैं डालना भूल गई थी मैं बाद में डाल दूंगी आप साथ डाल सकते हैं हमें पेस्ट नहीं बनाना इसको चंकी फॉर्म में रखना है थोड़ी थोड़ी देर में अपना मिक्सर चलाइएगा और आपका बैटर इस तरीके का रेडी होना चाहिए मिक्सचर इसका अगर आपके पास अगेन मिक्सचर नहीं है जैसे मेरे पास है तो बड़ी घर में जो भी छुरी हो, उससे है उससे चॉप कीजिएगा बहुत डेलिकेट होता है झींगा एक सेकेंड में हो जाएगा हाफ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स एंड पाउडर डाल दिए आप सारी चीज़ें अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं स्प्रिंग अनियन का ग्रीन पार्ट एक टेबल स्पून भर के और एक टेबल स्पू से करीब ही मैंने इसमें ग्रीन चिलीज डाल दी हैं दोनों का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है प्राउन फ्राइड बॉल्स जब आप रेस्टोरेंट में भी जाते हैं वो ओवर स्पाइसी नहीं होते आपके मुंह में स्प्रिंग अनियन आती है और ग्रीन चिलीज़ आती हैं अगर अभी मैं आपसे कहूँ ना आँखें बंद करके दिमाग में नहीं जबान पर टेस्ट लाएँ तो आपको लाजमी आएगा अच्छा खैर इसमें जा रहा है चार टेबल स्पून भर के ब्रेड क्रम्स फॉर बाइंडिंग टू टेबलस्पून इसमें चला जाएगा कॉर्नफ्लावर मैदा वगैरह मत डालेगा ये कॉर्नफ्लावर है ये सारी बाइंडिंग एजेंट मैं भी आपको डाल के दिखा रही हूँ एक अंडा इसमें चला जाएगा ठीक है पहले मैं थोड़ा कम डाल रही थी लेकिन बाद में मैंने पूरा ही डाल दिया था एक अंडा जाएगा इसमें अब आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है जितने अच्छे से करेंगे उतना अच्छा है मेक श्योर कीजिएगा कि आपका जो आपने मिक्स करके इसको चॉप किया हुआ है वो चंकी हो बहुत ज़्यादा पेस्ट ना बना हुआ मिक्सचर का वरना मजा नहीं आएगा आपको अब आप चेक करेंगे बॉल बन रहा है बिल्कुल बन रहा है तो चलें बस अब हमें बस इसकी ब्लास्ट ब्रेड क्रम्स में कोटिंग करनी है कोई एक्स्ट्रा कोटिंग नहीं करनी है और बहुत एक्सेस कोट मत कीजिएगा बस आपको झाड़ना है प्रॉन बॉल को अपने उसमें समझे डस्ट करना है एक तरीके से देख लें कितना लाइट कोट है आप चाहें आप इसको ओवरनाइट फ्रीज करके भी रख सकते हैं लेकिन सी फूड अच्छा है फ्रेश आता है तो आप फ्रेश ही कंज्यूम करें मेरे पास जो है सी फूड जो है फिशरी से आता है फिशरी से ही परचेज़ करते हैं डायरेक्ट तो, क्योंकि उसमें फिर स्मेल नहीं होती आपको पता है वहाँ पे फ़्रेश सब कुछ आ रहा होता है थोड़ी देर के लिए मैंने रेस्ट दे दिया प्रॉन बॉल्स को इन इंडमीन वाइल ऑयल भी गर्म हो रहा था डीप फ्राई के लिए और यहाँ पे एक सॉस रेडी कर रही थी मैं जिसमें मैंने दो टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस लिया था दो टेबल स्पून और दो गार्लिक क्रश कर लिए थे इसमें मैं डाल रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर सॉल्ट नहीं डाला अच्छे से मिक्स कर लूंगी ये बहुत अच्छा डिप जाता है आपका आ, सी फूड में जब भी आप कुछ बना रहे हो बस डेट्स अबाउट इट अब आप उसको डीप फ्राई कर लें मीडियम हीट पे रखिएगा ओवर फ्राई करेंगे तो आपको पता है प्रॉन जो है वो बिल्कुल रबड़ लबड़ नहीं <laughs> रबड़ जैसे हो जाते हैं और ए, इसको सात से आठ मिनट चाहिए कोको होने के लिए इवन आप प्रॉन कढ़ाई की भी मेरी रेसिपी देखेंगे अच्छे से मसाला तैयार करके झींगा जब डालेंगे सात से आठ मिनट बाद आपका प्रॉन डन होता है सॉफ्ट बनता है बहुत अच्छा बनता है फ़ौरन कंज्यूम करने वाली चीज़ है क्योंकि सी फूड थोड़े टाइम बाद अपनी एक महक जरूर देती है बस आप इसको सर्व करें और विंटर्स आ चुके हैं ये रेसिपी को ट्राई करें आप चाहे आप इसे चिकन में भी ट्राई कर सकते हैं लेकिन सर्दियों का मज़ा तो फिर सी फूड से पूरा पूरा लेना चाहिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी और मुझे बताइएगा कैसी बनी आई वेट फॉर योर फीडबैक अल्लाह हाफिज़